एनजीटी के पटाखा बैन के फैसले ने बढ़ाई पटाखा व्यवसायों की मुश्किलें। हम आपको बता दें कि एनजीटी का एक फैसला आया है जिसमें पटाखा को बैन करने की बात कही गई है और कहीं ना कहीं परेशान है पटाखा के व्यवसायी। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा। उनके साथ में समाजसेवी आशीष पाठक समेत कई लोग मौजूद थे और उन्होंने अपनी मांगों को सामने रखा। S7 की डेस्क रिपोर्ट। आज आप लोग इस यहाँ पे किस लिए आए हैं? हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं। जैसा कि आज ज्ञात हुआ है पेपरों के माध्यम से कि पटाखा दुकानें जो लगती थी हर दीपावली में 3 दिन के लिए, उनको उन पर रोक लगा दी गई है। तो एनजीटी के माध्यम से एक आदेश जारी हुआ जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया आदेश। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ कि कोरोना काल के बाद एक अच्छी बाजार लगने जा रही थी, व्यापारियों को ये थोड़ी में थोड़ी मदद होने जा रही थी। व्यापारी गहने जेवर और किसी न किसी से कर्ज लेकर यहाँ पर आए थे, कुछ अपने लाखों रुपए का माल लाए थे। अब वह क्या करेंगे? वह तो रोड पर आ जाएंगे। किसी न किसी तरह उनका जीवन यापन होना था, एक अच्छी पहल होने जा रही थी, उस पर सरकार का यह आदेश बिल्कुल ही गलत है। इसको वापस लेना चाहिए और जो भी दुकानें 3 दिन के लिए लगती हैं उनको लगने देना चाहिए। अरुण त्रिपाठी, आज आप लोग जिलाधिकारी के क्यों मिलने आते हैं? हमने जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है जिसमें जो 3 दिन पटाखों की दुकान लगती है उसकी अनुमति ली गई है। सुबह समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी हुई कि राय बदली सहित जिले पटाखा बैन कर दिए गए हैं। इसमें सभी व्यापारियों में निराशा है क्योंकि सभी व्यापारी कहीं ना कहीं से उधार लेकर के पटाखों दुकान पटाखे लाए हैं और ये देर रात फैसला आना बहुत ही गलत है और हमारा सरकार से निवेदन है कि इसको वापस लिया जाए और दुकान लगाने की अनुमति दी जाए।